अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या चाल है आप लोगों की। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज देख रहे हैं हमारा घर कितना अच्छी जगह पे शिफ्ट हो गया। ये देखें, एक्चुअली ये जो बात है ना वो ये है कि हम लोग बालाकोट अभी पहुँचे हैं। कोई टाइम हो रहा है, एक मिनट में मोबाइल से अभी देख के बताता हूँ। मोबाइल टाइम हो रहा है 6:27 तकरीबन, कुछ 6 बजे हम पहुँच गए थे बालाकोट। तो बालाकोट में पीछे रास्ता मैंने इसलिए नहीं बनाया कुछ कि क्या ज़रूरत है बार बार बनाने की। ये जो गाड़ी खड़ी है ना, ये गाड़ी कहाँ खड़ी, छत पर खड़ी है, घर नीचे। और फर्स्ट टाइम मैं सोचता था कि घर के ऊपर गाड़ी कैसे खड़ी करती है। ओ याद है, मेरा भाई भी उधर है जो नहीं दिख रहा अभी। आ जाओ, थोड़ी हाइट एंड सीक हो जाए। चलो जी, भाई ने मुझे कंटेंट दे दिया है और मैं इसी से तो कंटेंट लेता हूँ, वरना तो मेरा चैनल तो ठप है, चलते ही नहीं। तो ये है कि यहाँ से ज़रा बाज़ार थोड़ा दूर है, ये एक्चुअली घर है। घर में ज़रा इंतज़ाम हुआ था तो हम इधर आए हुए, और बाज़ार थोड़ा दूर है तो अभी देखो क्या होता है। ये पता नहीं क्यों खुदकुशी के मूड में लग रहा है मुझे, लेकिन खैर यहाँ आसपास भी बड़े घर हैं। और ये जो बच्चा है ये हमें नोट कर रहे, पता नहीं क्यों उसके सामने पहली दफ़ा ऐसा कुछ हुआ। तो वही वाला सीन, कल हम जाएंगे नारायण और आज हमारा सारा जो दिन है बालाकोट में गुजरेगा। तो बस आगे ब्लॉग देखते जाएं और हमारी जो उड़ान है इंशाल्लाह बाबूसर टॉप है। तो मैंने सस्पेंस फेंक दिया, आगे ब्लॉग देखते जाओ। भाई कितना बू वाला समय, बू। तो व्यूअर्स को क्यों डरा रहे हो आप, रात में यहाँ पे म्यूजिक नहीं लगाओगे? यहाँ से गिरेंगे जिंदा बच जाए। मुझे पता नहीं किस चीज़ के अंदाजे मार रहा है ये, इसके अंदाजे मार रहा है। हम एक्चुअली मोबाइल गिरे वो नहीं बच सकता, लेकिन हम गिर जाए वहाँ बच जाए। हाँ, हम मोबाइल गिराना भी नहीं है एक्चुअली। हम लोग अभी गए थे खाना खाने, रात का टाइम हो रहा है, 10 के बाद का टाइम है और इस वक्त मैं बिल्कुल तारों के साथ खड़ा हूँ। तो इस बात ऐसी है ना कि ये जो है यहाँ डिस्को हमने खोला हुआ है और यहाँ पीछे कमरे, इसका विजिट मैं आप लोगों को सुबह कराऊंगा और सुबह नाश्ते वाश्ते के लिए भी जाएंगे। और अभी बस इतना से था फिलहाल, थोड़ा सा बालाकोट था। बालाकोट में ऐसा कुछ है भी नहीं और ना रास्ते में कुछ इतना खास था, इसलिए मैंने दिखाना मुनासिब नहीं समझा। इंतहाई मैं फजूल आ रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह सुबह जब नारायण का वहाँ जाएंगे ना, और जो हमारी जो मंजिल है इंशाल्लाह वहाँ तक चलेगा, नहीं तो थर मज़ा आ जाएगा। अभी मैंने मोबाइल में जगह भी बनानी है, कितनी मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। और हमारी ब्लू व्हेल भी पीछे पीछे आ रही है। एक्चुअली हमारा जो कमरा है ना ऊपर की तरफ है, तो हमें ज़रा ऊपर जाना पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं पराठा लेने, उसके बाद मैं तैयार होऊंगा। अभी तो हमें आपको बिल्कुल तैयार नहीं लग रहा क्योंकि मैं हुआ ही नहीं हूँ। आप यहाँ सारा सामान देखें पीछे, और यहाँ से हमारी गाड़ी आई, ऊपर बहुत ऊपर जाना पड़ता है। तो अभी हम पराठे वगैरह लेते हैं, तो नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर आगे जाएंगे नारायण साइड। इंशाल्लाह सफ़र बड़ा मज़ेदार गुजरेगा। तो व्यूअर्स पराठे ले लिए, लेकिन एक बात की खुशी हुई मुझे, एक तो फौरन मिल गया, दूसरा ये है ना कि सस्ता मिल गया, 30 रुपये का, ये कलाम से सस्ता है। तो व्यूअर्स हम लोग रेडी हो गए नारायण के लिए, और नारायण की रवानगी होने वाली है। ये हमारे घर का दरवाज़ा था और ये खुले रहते हैं,
क्योंकि बंद नहीं होता। और हम लोग जा रहे हैं नीचे, बाल यहाँ सेट नहीं हो सकते यार, क्योंकि ना पानी गर्म तो किया था हमने, लेकिन एक बंदा ना आया उससे, तो हो सकता है थोड़े बहुत सेट लगूँ आपको और थोड़े बहुत ना भी लगूँ तो कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग अब जा रहे हैं नारान, और नारान से भी आगे जाने वाले हैं इंशाल्लाह। पता नहीं क्यों चिट्टा क्यों नहीं आ रहा मैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं, मज़ों में ठीक है। तो व्लॉग तो शुरू नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ये बताना था कि नारान शायद थोड़ा सा रह गया, क्योंकि वो पीछे मैंने नींद आ रही है। सुबह 12:15 हम निकले थे, 3:10 हो रहे हैं और नारान के हम करीब है, लेकिन 31 टेम्परेचर चल रहा है। पता नहीं किन खबरों में दिखा रहे थे कि बर्फ़ हटा रहे थे, बर्फ़ दिख रही है लेकिन महसूस नहीं हो रही। दूसरी बात ये है कि पीछे मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट दिखाया था, तो हम करीब यहाँ बिजली आने वाली है, क्योंकि डैम शैम बन रहा था। और बाकी हमारा सफ़र चल रहा है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि काफ़ी लोग बड़ा फॉरवर्ड कर करके सफ़र गुजार रहे होंगे, लेकिन हमसे पूछा हम कितना हिल जुल के सफ़र कर रहे होते हैं। 3 घंटे हो गए नारान न पहुँचे हम, फिर उसके आगे 1.5-2 घंटे का बाबूसर है, वहाँ पहुँचना था हमने, तो 5-6 बजे पहुँचेंगे। पता नहीं क्या सिस्टम होगा, देखते जाओ। सलाम अलैकुम। तो व्यूअर्स, नारान सिर्फ कोई 5 किलोमीटर रह गए, लेकिन 31 टेम्परेचर है यार, ना ठंडी हवाएं हैं, धूप देख रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही। ग्लेशियर तो मर ही गया ना, ग्लेशियर तो बिल्कुल है ही नहीं। और फिलहाल थोड़ा सोचा चली मली खाते हैं, वो तो हमारे यार ऐसे सफ़र की जान होती है चली वली। तो आगे अभी बाबूसर साइड पर देखेंगे, शायद कोई ग्लेशियर मिल जाए। अभी तक सिर्फ वो चोटियाँ दिख रही थी, वो चोटियाँ भी गायब हो गई हैं। तो ये सारा सीन चल रहा है यार। बाकी माशाल्लाह जो आपकी ब्लू वेल है वो इंतहाई गंदी हो चुकी है, क्योंकि पीछे बड़ा ही कोई ख़राब रास्ता था वो डैम के चक्रों वाले। बाकी हम यार ये पानी वानी देख रहे हैं हम, और पहाड़ देख रहे हैं इतनी देर से, मतलब किसकी नज़र लग गई है, क्योंकि बताया जा रहा था कि बड़ी बर्फ़ पड़ रही है, लगा दी किसी ने नज़र है, लेकिन अल्लाह करे हमें मिल जाए कुछ ना। बाकी देखते हैं क्या होता है। लगाएंगे 2000 का। तो व्यूअर्स, हम लोग पहुंच गए नारान, लेकिन फिलहाल हम बाईपास रोड पे जा रहे हैं,
क्योंकि हमने जाने बाबूसर टॉप, और अभी तक स्टिल हमें गर्मी लग रही है, लेकिन गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो बता रहे 19-32 से डायरेक्ट 19 हो गया, हमें नहीं पता कैसे हुआ है, और ना शीशे पे किसी ने पानी डाला, क्या मसला हुआ है नहीं पता हमें, लेकिन गर्मी लग रही है अभी स्टिल। और अभी हम बाबूसर जा रहे हैं, तो जाके देखते हैं कि वहाँ भी सर्दी लगती है, क्योंकि जब हम आ रहे थे वहाँ पर -9 और नारायण 2 दिखा रहा था, जो आज हालात है पता नहीं क्या होगा। तो आगे आप लोग देखते रहो, अब हो सकते हैं हमें शायद ग्लेशियर मिल जाए। हम आए भी जून में थे ग्लेशियर देखने के लिए, लेकिन वो पिछले जितने भी थे वो तो नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ तो रेस्टोरेंट खुल गए, मतलब इतने जैसे ग्लेशियर आते ही नहीं होंगे। लेकिन बस अभी आगे अगर हुए तो इंशाल्लाह हम खुद भी इंजॉय करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो इस वक्त हम चने खा रहे हैं, ये यहाँ की ना एक बहुत मज़ेदार एक चाट सी होती है, बड़ा मज़ा आता है, खट्टी मीठी। और इधर साथ ही साथ रिवर राफ्टिंग वगैरह भी हो रही है, भाई को बड़ा एक्सपीरियंस है। नीचे जो किश्तें आ रही हैं वो दिखा दो। हाँ तुझे तो व्यूअर्स फाइनली हम लोग बाबूसर पहुंच गए। मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि मैं पहुंचूं, मतलब मैं लोगों को लेके पहुंचूं। बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ तो हर तरफ ना, और वहाँ तो पीछे अगर देख रहे हैं ना ये, मतलब यार हाँ समझ। और ये हमारी गाड़ी पे बर्फ़ फेंक रहे, अभी मेरे कान पे भी बर्फ़ मारी। हाँ जी हाँ जाते, तो बड़ा इंतज़ार किया, बड़ी देर आता है यार, तकरीबन कोई 5 घंटे लगते हैं नारायण से नहीं बालाकोट से यहाँ तक आने में। 12:15 चले थे और अभी 1 मिनट अभी टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। तो बस आप लोग 6 घंटे का हिसाब हो गया कि बस क्या सिस्टम हो। अभी ये इधर है तो इसकी भी 2-4 फोटोग्राफियाँ यहाँ हम करेंगे, और बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ थोड़ी बहुत सर्दी लगी है, लेकिन देखो इतनी सर्दी लगी है कि मैंने अभी जैकेट नहीं पहनी, और यहाँ की आवाम ने जैकेट पहनी हुई है जो कराची लाहौर के गर्म इलाकों से आते। बड़ा मज़ा आ रहा है ये देखिए फुल। चलो इस तरह आपको व्यू देता हूँ, ये तो व्यूअर्स बात कुछ हुए कि मैंने कैमरा बिल्कुल नहीं उठाया, लेकिन यहाँ हमने पकौड़े खाए, चिप्स खाए, गरम अंडे खाए। गरम अंडे का जो है ना ये छिलके रह गए हैं सबूत के तौर पे। हाँ कैपेचिनो पी, अबू जी ने चाय पी, हाँ उसके मग ये। तो सारे वक्त असल में सर्दी थी, अब सर्दी होगी। देखो मफलर भी ओढ़ लिया मैंने, अपर भी ओढ़ लिया, तो मतलब सर्दी हो रही है। हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ी कम है, लेकिन लोग भी ज़्यादा समझ नहीं आते क्या सिस्टम है।
ये जो है ईगल साहब है मेरे पीछे, उकाब साहब आए हैं, ये हर जगह कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना ही होता है। खैर क्या करूँ, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ चेरी पता करने यार। बस अब मैंने इतना अमीर होना है कि चेरी खा सकूँ। 400, 500, 600, 650 यहाँ ये रेट से भाई जी, 400, 500, 600, 650। अच्छा तस्वीर तो मैं खाक लूँगा, मैं ये ले लेता हूँ एक। मैं यहाँ आया बाबू सर आया हूँ। नहीं कंटेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, ये बर्फ लेके घूम रहा है अल्लाह माफ। नहीं नहीं नहीं, बहुत ठंडी होती है बर्फ, ठंडी होती है गर्म नहीं होती कभी आप लोगों ने। खैर मैं ये कह रहा था कि मेरे हाथ जो है ये फ्रीज हो रहे हैं, और बाबू सर और हाथ फ्रीज ना हो ना ऐसा नहीं होता। अभी मेरा जो कान है ना इसने पहुंचाया होता कहीं और। मेरे टोपे में बर्फ है और सबर ये बर्फ ही बर्फ है। ओ यार बर्फ मिल गई, आ जाओ आपका जो बनाना था इतनी थोड़ी सी। हाँ हाँ ये इसमें कुछ करने जाते हैं। ओ फाइनली हम लोग बर्फ में बिल्कुल खड़े हैं और भाई साहब बिल्कुल फंस चुके हैं। भाई साहब हेलो, नहीं राधे दूसरा भी अंदर खोद रहे हो। खैर यार यार वो जो नरम बर्फ, क्या कह रहा हूँ मैं, नरम बर्फ जो चाहिए होती है ना वो नहीं मिल रही। वो सामने है, वो जो वाइट शायद मिल गई। अच्छा ये अब अभी थोड़ा सा वार चार करना पड़ेगा, इससे पहले पता चले लाइव वीडियो में मैं गया हूँ। यार बहुत ऐसे ये रॉन्ग शॉट, बस वो कैमरे के आगे तो हाथ आया हुआ है, नहीं आया हुआ गिरने वाला सब। मैं सीधे ना दे प्रेदम, ना दे प्रेदम मारा ये क्या निशा, मुझे आने दो। मैं मारा है यार इसकी जैकेट। अच्छा चलो मैं बड़ा शरीफ हूँ, मैं मार खा लेता हूँ। पता नहीं आप लोगों को कैसे दिख रहा है लेकिन हम लोग स्नो फाइट कर रहे हैं, लेकिन स्नो मजे की नहीं है ये चीज। अब आया मजा, सबर होए अंकल पे ना मारा हो अंकल। दिमाग सेट करने लो, मोबाइल अपना साफ करो। मोबाइल की खैर है, मैं ना बचा तो क्या होगा। सच में बड़ी जोर की लगी, मोबाइल मेरा पूरा बर्फ बर्फ हो गया। एक मिनट यार, सीन कुछ हुआ है ना कि अम्मी अबू को हम नहीं ला सकते क्योंकि वो ना इतना हमारी तरह नहीं फेर सकते। बाकी इधर गरम 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 होता रहता है जी। भाई साहब जा रहे हैं, हमने कॉफ़ी चाय वगैरह कर ली, हाथ में बिल्कुल गरम गरम फ्रीज हो गया। और बस अब हम लोग जाने लगे, पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है, मैं सीधा मोबाइल पकड़ नहीं सकता कि हाथ बिल्कुल जाम।
बहुत सर्दी हो रही है जी, बहुत सर्दी, स्नो फॉलिंग हुई है, गाड़ी पे बर्फबारी हो रही थी, ये नहीं टिकनी है, ना 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 स्लिप करेगी। हाँ बस, ओ देखो कितनी बर्फ, ओए होए होए, सिर्फ यहाँ बर्फ पड़ी है। तो व्यूअर्स, हम लोग फाइनली नारायण पहुंच चुके हैं और हम फाइनली, हमें कमरा भी मिल चुका है, और जिन दीवारों के आगे और जिन कमरों के आगे मैं खड़ा हूं ना, तो ये बाहर से तो ऐसा लग रहा है दीवार दीवार, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं साद एंड मोमिन स्पेशली, ये दोनों जो है ना, ये इन कमरों को बहुत ही दिल लगी से जानते हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमारा चक्कर लगा था, बहुत अरसे की बात है, पिछले साल की बात है, बहुत पुरानी बात है, तो हम लोग आए थे रहने, तो हम यहीं रहे थे, तो हमने सीधा इस बार वो बाबू सर से आए हैं ना, तो सीधा यहीं उतरे, तो हमें माशाल्लाह बड़े ही रीज़नेबल कमरा मिल गया है जी, और कार पार्किंग भी साथ ही है, वो गाड़ी खड़ी हुई है, सही है। और ये जो 114 ये जो कमरा है ना, जहाँ से भाई नमूदार हुआ है, तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि यही हमारा कमरा है भाई यहाँ, और शुक्र है हमारे जो अम्मा अब्बा हजूर हैं, उन्हें ये पसंद आ गया और हमें थोड़ी सी शाबाशी मिल गई कि माशाल्लाह समी ने एक अच्छा होटल ढूंढा, बेसिकली ढूंढा तो साद और मोमिन ने था, वो तो बाज़ार में कहीं खड़ा था, और जी हमारी जो है ना हालत पतली हुई हुई थी, वो भी वजह सर्दी की वजह से, हम रात को पहुंचे थे भाई बड़े, वो तो अलग एक कहानी है ना, उसे छोड़ें, वो ना मैंने व्लॉग बनाया और ना वो आएगा कभी ज़िंदगी में, तो खैर बाकी मेरी जो है यादें ताज़ा हो रही हैं, और भाई साहब पता नहीं पोल निकालने की कोशिश में, सबर इससे थोड़ा इंटरव्यू लें, पूरा रास्ता इसने कुछ बोला नहीं है, तो कैसा लगा है आपको जी होटल, कैसा लगा इसको जी, नेट मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, पार्किंग मिल गई है, कमरा मिल गया, बिस्तर मिल गया, और क्या चाहिए, और बाबू सर, बाबू सर में मज़ा आया जी, कुछ तो आप बोलें, इस बार आपने कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा आपको पता है ये बोलना भूल गया, अभी हमने इसे फिर बोलना सिखाना तो ये आपको ना नॉन एक्सप्रेशन, ये अंदर अंदर बड़ा खुश है, बड़ा पूरा सुकून है, मतलब अभी यहाँ डीलिंग भी नहीं हुई थी, इसने कहा था गिव मी वाईफाई, तो जब इसे वाईफाई मिल गया तो इसे सुकून मिल गया। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अभी खाएंगे, खाना खाने जाएंगे थोड़ी देर तक, अब वो आए बाबू सर से, वो दिल लगा के जो आए ना, 100-100 भी उतारे, मज़े ही आ गए, बड़ी हैवी ड्राइविंग की उन्होंने, बस अभी खाना खाने जाएंगे तो बस इंशाल्लाह बहुत मजे आएंगे। जी हमने खाना खा लिया और बड़ा मज़ा आया सच्ची, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया कोरमे का, उसके बाद कुछ है, सबसे कोरमा खाया था हमने, और वो खाया था क्या खाया था, न्यारी के न्यारी बस सही थी, लेकिन कोरमे का बड़ा मज़ा आया था। अच्छा एक पीछे ये होटल है, ये इससे भी मोमिन की बड़ी यादें वापस थे, बड़े मज़ा आया खाने का। खैर तो बात कुछ हुए हैं, 1:15 बज रहे हैं, और मैं निकल गया हूँ घर वालों के लिए कुछ लाने, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या ला रहा हूँ, कुछ लेने जा रहा हूँ, और हाँ अभी मेरा नेट भी जाने वाला है, 7 बजे से 1 बजे तक इन लोगों ने मेहरबानी फरमाई थी, उसके बाद नेट से हो जाएगी मेरी वो आज़ादी, क्योंकि यहाँ से चलते हैं टेलीनॉर 4G। वो सारा बाज़ार तो सारा जगमग है, अम्मी को असल में कैपेचिनो पकड़ा दिया मैंने, और अब्बू को अभी कोई शामी बर्गर दिलवाता हूँ,
भाई साहब कुछ नहीं खाना चाह रहे और मेरा भी फिलहाल कोई मूड नहीं है। और हाँ अब हुक्का पानी खुलेआम दस्तियाब है, आ जाओ इंजॉय करो। बब्बू के लिए तो वो नहीं मिला, क्या कहते हैं बर्गर शॉर्मा उठा लिए। अपने लिए चश्मा ढूंढ रहा हूँ मैं जरा कल के लिए, लेट्स सी मिलता है या नहीं, गुजारे हाल। सो दिस इज़ माई न्यू चश्मा विद ताज। चश्मा लिया आने अभी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी तोड़ दोगे, अभी लाइव लाइव छूट जाएगा, रुक जाओ मैं पकड़ाता हूँ दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये भी जितने का शॉर्मा 150। हाँ तो हाँ यार एक और बात मैंने ये करनी थी कि यहाँ पर उसका पानी इतना ज़्यादा हो गया जैसे कि जैसे चाय वाय नहीं मिलती ये वाली, इस तरह हर थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बाद। वाह भाई इतना खुला खुला।